बीपीएससी और शिक्षा विभाग अगर घाल मिल कर रही है तो किसी भी सूरत पर हम इस घाल मिल को होले नहीं देंगे। एक घोटाला है। तो अतुल प्रसाद जी से एक सवाल है ना भाई, कि आप ही जवाब दीजिए कि सप्लीमेंट रिजल्ट आखिर कब? फिर वही होगा, सड़क पर उतरेंगे, सड़क पर भी हैं और सड़क पर उतरेंगे। ये बोलेंगे कि शिक्षा विभाग से रिक्ति आने दीजिए। शिक्षा विभाग के पास कल गए तो बोला गया कि नहीं, तो वहाँ जो रिक्ति भेज दी गई यहाँ से आने, यहाँ से वहाँ, इसका मतलब स्पष्ट है ना कि कहीं ना कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। नमस्कार, मैं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे। देखिए, अभी तक सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आए हैं। हमारे साथ छात्र नेता सौरभ मौजूद है। कल आप लोग शिक्षा विभाग पहुंचे, पुलिस प्रशासन के द्वारा ठेला ठेली हुआ, हर चीज हुआ। आज अतुल प्रसाद पीसी कर रहे हैं और कैबिनेट की बैठक भी है। होगा क्या? क्योंकि लगातार आपको फोन आ रहे होंगे, लोग कमेंट भी कर रहे हैं, सारे न्यूज चैनल पे कमेंट हो रही है, लाइव सीरीज भी हो रही है, कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट कब? सप्लीमेंट्री रिजल्ट को बता दे आपके चैनल के माध्यम से ही कि जो चीजें प्रकाशित हो रही है 4700 रिजल्ट अगर सच है तो शिक्षक अभ्यर्थी को किसी भी सूरत हाल में ये रिजल्ट स्वीकार नहीं। 28,000 पद रिक्त है। बीपीएससी और शिक्षा विभाग अगर घाल मिल कर रही है तो किसी भी सूरत पर हम इस घाल मिल को होले नहीं देंगे। एक घोटाला है, ये सीधे सीधे अतुल प्रसाद तो पीसी कर ही रहे हैं, कैबिनेट की बैठक हो ही रही है, तो अब दिक्कत तो अतुल प्रसाद जैसे एक सवाल है ना भाई, कि आप ही जवाब दीजिए कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आखिर कब? आपने ट्वीट किया था 25 अक्टूबर को, कई प्रेस के माध्यम से आप बता भी रहे थे कि ड्रॉप आउट को बाहर करेंगे, मल्टीपल रिजल्ट आया उसको बाहर करेंगे, कई फर्जीवाड़े तरीके से नियुक्त हुए उनको बाहर करें। तो सीटों का आंकड़ा 92,000 लोग नियुक्त हो गए, 28,000 पद रिक्त है। ये पूरी बहाली की प्रक्रिया कब चलेगी? और दो दिन के बाद सेकंड फेज की बहाली की प्रक्रिया भी शुरू होनी है। ये बताइए कि इसको किस तरह से देख रहे हैं कि अतुल प्रसाद जो चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा था कि यही महीना में रिजल्ट निकलेगा। सारे लोग फॉर्म नहीं भरे टीआरई 2.0 का, इंतजार करते रह गए। अब क्या मतलब सब तो उजड़ गए? ये तो सवाल उन्हीं से पूछना चाहिए। अगर हम छात्र अभ्यर्थियों के दिल पर क्या गुजर रही है, आप देखे होंगे कि गांधी मैदान से कभी बीपीएससी ऑफिस, गांधी मैदान से कभी शिक्षा विभाग, कभी तेजस्वी यादव के आवास पर, कभी मुख्यमंत्री जी के आवास पर, आखिर विद्यार्थी कहाँ जाए? प्रथम फेज की बहाली में फंस गए, सेकंड फेज की बहाली में फंसे हुए हैं। रिजल्ट को लेकर जो घाल में चल रहा है ना, मैं उसे कहूंगा ये सीटों का पूरा पूरी घोटाला है। आखिर के पाठक को जवाब देना होगा, चेयरमैन अतुल प्रसाद जी को जवाब देना। क्यों बोलते रहते हैं हमेशा आप छात्र नेता, आप घोटाला क्यों बोलते हैं? घोटाला हम ऐसे नहीं बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि आपने जो वादा किया 1,20,000 पदों पर, उसमें 92,000 लोगों की ही नियुक्ति हुई है, तो ये घोटाला नहीं। 28,000 पद रिक्त है ना, कब उसका रिजल्ट निकालेंगे? अब छात्र अभ्यर्थी, अब देखिए इनका खेल देखिए। ये बोलेंगे कि शिक्षा विभाग से रिक्ति आने दीजिए। शिक्षा विभाग के पास कल गए तो बोला गया कि नहीं, तो वहाँ जो रिक्ति भेज दी गई यहाँ से आने, यहाँ से वहाँ, इसका मतलब स्पष्ट है ना कि कहीं ना कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। अभ्यर्थी है जो ये झेल रहे हैं, लाखों अभ्यर्थी है, और कितने अभ्यर्थी की संख्या है जो रोते हैं। आप वीडियो के माध्यम से देखिएगा, रोते हैं कि भाई मेरा तो क्या होगा, एक नंबर दो नंबर कम है, रिजल्ट आ जाता, सेकंड बेंच के बहाली में भी नहीं बैठ रहे हैं, क्या होगा? तो पहले सीटेट वाले का मामला था, उसको भी आप क्लियर नहीं कर पाए। दो दिन बाद क्या है आपको मालूम होगा? दो दिन के बाद फिर से महाकुंभ होगा, बेरोजगारों की फिर से बिहार में बहार आएगी। अब जो कह रहे हैं कि नौकरी को लेकर डाटा फिर 120,000 पर ही है। हमेशा बोलते थे कि रोजगारों को नौकरी दी जा रही है, रोजगारों को ही नौकरी दी जा रही है, मतलब कि रोजगार जो करते हैं उन्हीं के लिए एग्जाम है ये? बिल्कुल, आपके बेरोजगार जो है वो आपके जो साथी है, बेरोजगार जो किसान के बेटे हैं जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए नौकरी नहीं है? तो ये तो बताए ना भाई कि 1,20,000 पर नए लोगों को, कितने लोगों को नौकरी? नियोजित वाले लगभग 40-42,000 वही है, और आप जो बता रहे कि 14% दूसरे राज्य के आ गए, तो भी बिहार के कितने लोगों को आपने नौकरी दिया? अगर कहा जाए तो 60-65,000 लोग ही नए हैं जिनको नौकरी मिली है, और अभी भी बातें 28,000 पद रिक्त है। आज पीसी हो रहा है, आपको भी मालूम होगा बीपीएससी आयोग के अंदर पीसी चल रहा है। निश्चित रूप से चेयरमैन सर अगर देख रहे होंगे तो सुन रहे होंगे, तो एक सवाल सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर भी है कि आखिर कब तक रिजल्ट देंगे? अगर 28,000 पद रिक्त है तो उस पद की पूरी पूरी बहाली निकालिए, क्योंकि छात्र आपके बातों पर ध्यान देते हैं, आपके ट्वीट पर ध्यान देते हैं और आपसे कनेक्ट होते हैं, न कि इधर उधर बातें जो प्रकाशित हो रही है 4700 पर कि रिजल्ट आएगा। इस बात की पुष्टि आप कर दे कि कितने पद पर बहाली आ रही है। 28,000 पद रिक्त रखने का कोई सवाल है तो जवाब दीजिए, क्योंकि किसी भी तरह से हम 28,000 पद को भरनेंगे, चाहे वो रास्ता 1.0 में सारे लोग उलझे हुए थे, तभी 2.0 दो दिन में है, आपको भी मालूम है। आज 5 तारीख है, फिर एग्जाम कब है आपको मालूम ही होगा। 7 तारीख से एग्जाम शुरू है और 15 तारीख तक चलेगी। निश्चित रूप से जितने भी परीक्षार्थी हैं सबको शुभकामनाएं कि सेकेंड फेज की बहाली में आप जा रहे हैं, अच्छे से परीक्षा दीजिए, परंतु प्रथम फेज की बहाली में जितनी भी रिक्त पद है उसको हर हाल में भरना होगा। ये सवाल बीपीएससी चेयरमैन और के पाठक जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव है, दोनों को। सप्लीमेंट्री रिजल्ट आप चाहते हैं? 28,000 पद है, 28,000 पद खाली है। कम दिया गया तो फिर वही होगा, फिर वही होगा।
सड़क पर उतरेंगे, सड़क पर भी हैं और सड़क पर उतरेंगे। कम मत दीजिए, कम मत दीजिए, जितना पद खाली है आप बता दीजिए कितना दे रहे हैं और कितना है। उन्होंने कहा था कि हम एक से ज्यादा, अभी तो प्रथम के लाले पड़ रहे हैं। रिजल्ट अगर नहीं आए और सप्लीमेंट्री रिजल्ट मान लीजिए निकाला गया तो कम निकाला जाएगा मान लीजिए, तो क्या करेगा? 4700 रिजल्ट आया तो अगले ही दिन हम माननीय उच्च न्यायालय में कोर्ट फाइल करेंगे, तैयारी कर चुके हैं, क्योंकि सीटेट वाले में कहे थे ना कि कोर्ट केस करेंगे, कोर्ट केस हुआ, इस मामले में भी कोर्ट केस होगा, क्योंकि अगर आपके मन में कोई इफ व्हाट नो यस है तो ये घालमेल जो चल रहा है ये बताए शिक्षा विभाग और बीपीएससी कि घालमेल अगर करते हैं तो होने नहीं देंगे। शिक्षा विभाग और बीपीएससी आयोग को क्या कहना चाहेंगे आप? एक सवाल है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट 2800 जो खाली है, 28,000 पद, उस पर अगर आप देते हैं छात्रों को बिल्कुल नौकरी मिलेगी। अगर 4700 रिजल्ट देते हैं, जो सच हम नहीं मान रहे हैं, अगर दे देते हैं रिजल्ट तो निश्चित रूप से छात्रों के साथ बहुत बड़ा धोखा, षड्यंत्र, फरेबी, चोरी, डकैती जो कह लीजिए यही है। क्या नीतीश कुमार कैबिनेट बैठक अभी चल रही है तो वो डिसीजन नहीं लेंगे कुछ? एक मामला जो काफी वर्षों से चल रहा है वो नियोजित को राजकर्मी का दर्जा देने की मांग, और आपके चैनल के माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि बरसों की मांग को सर पूरा कर दीजिए और राजकर्मी का दर्जा देने की मांग जो कर रहे हैं बिना शर्त उनको दे दीजिए। अगर कुछ नहीं हुआ तो आपने कह दिया है कि रिजल्ट अगर नहीं आए तो आप सड़क पर होंगे। हाँ, रिजल्ट नहीं आया तो कल भी हम लोग गए थे और फिर आज बातचीत हो रही है, फिर कल होगा तो फिर कल हम लोग फिर सड़क पर आएंगे। निश्चित रूप से सप्लीमेंट्री रिजल्ट 1:1, 28,000 पद खाली है, आपको रिजल्ट देना होगा। चलिए देखिए, छात्र नेता सौरभ हमेशा गर्म रहते हैं और आज भी गर्म थे, क्या कुछ कहना था इनका वो आपने सुन लिया। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर कल भी गए थे और आज भी रुके हुए, आज इसलिए रुके हुए क्योंकि पीसी चल रही है बीपीसी आयोग में और बैठक भी है, तो देखना होगा कि क्या कुछ होगा। लेकिन उससे पहले कह दें कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट अगर नहीं दिया गया छात्र जो अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा तो सड़क पर उतरेंगे। तो बस आईसीटी के साथ बारे में चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, धन्यवाद।